हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मारुति सुजुकी डिजायर 2022 BS6 मॉडल जो ZXI वेरिएंट है, इसका साउंड टेस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गाड़ी का जो साउंड सिस्टम जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो कैसी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट साउंड के रिलेटेड मिल रहा था कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए। तो आज इसीलिए मैं आज खास करके मीन्स कमेंट के हिसाब से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को बताऊं कि ये जो डिजायर ZXI वेरिएंट है इसका साउंड कैसा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो साउंड है वो कैसा है, मैं आज इस चीज को टेस्ट करके आपको बताने वाला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं डिजायर ZXI मॉडल है, तो इसमें स्क्रीन टच लग क्या थी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको स्क्रीन है, ठीक है। ये मारुति सुजुकी का जो शोरूम से ही लग के आता है ZXI मॉडल में। अगर VXI लेते तो VXI में आपका वो नॉर्मल सा 2D वाला रहता, उसमें मींस इस टाइप का स्क्रीन नहीं रहता, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप का स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, ये ZXI वेरिएंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज दी रहती है, जैसे देखिए आप मीडिया, ठीक है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज इसमें आप FM वगैरह चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे FM का सेटिंग है, AM का, DRM, USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, ये सारा चीज से आप चला सकते हैं। USB ब्लूटूथ ऑक्स के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड एक स्लॉट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव वगैरह लगा करके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्स का केबल लगा के आप प्ले कर सकते हैं म्यूजिक का, ठीक है। और इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 6-4 स्पीकर और 2 ट्विटर दी जाती है, ठीक है। आपका ट्विटर का प्लेसमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डोर का जो विंडो के ऊपर में जो साइड में, यहाँ पे ट्विटर का प्लेस है, एक यहाँ पे और एक उस साइड में, ठीक है। और जो स्पीकर का मैं बता दूं, तो स्पीकर यहाँ पे देखिए, ये डोर है, डोर के जस्ट नीचे जहाँ पे बोतल होल्डर है उसके जस्ट नीचे ये ऐसा ही चारों डोर के, और देखिए इधर भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये 4 स्पीकर और 2 ट्विटर दी जाती है। अगर आप VXI मॉडल लेते हैं तो VXI में सिर्फ क्या होता है कि आपको 4 स्पीकर ही मिलती, ट्विटर नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आज आपको इसका साउंड टेस्ट करके भी बताऊंगा कि कैसा है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, इसे जरूर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कुछ सेटिंग्स मैं बेसिक कर लेता हूं, अभी तक मैंने कोई सेटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग का बटन है, मैं इसको सेटिंग करके देखता हूं। यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए डिस्प्ले, डेट, टाइम वगैरह इसका सारा कुछ सेटिंग है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का, यहाँ पे देखिए मिड ट्रेवल, यहाँ पे बेस वगैरह कितना है, मिड ट्रेवल बेस, ये सारा मैं फुल पे नहीं, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। ये देखिए ये पूरा फुल हो गया, इसको मैं 7 नंबर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी सारा चीज ठीक है, उसी तरह मैं सब चीज का सेटिंग कर लिया हूँ अपने अकॉर्डिंग। अब कुछ नेक्स्ट सेटिंग है, बैलेंस, फेडर वगैरह, ये देखिए बहुत कमाल का सेटिंग है। आपको अगर आप गाड़ी में है, ठीक है, आपको किस और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर किया कि चारों तरफ से जो साउंड आएगा वो सेंटर पे रहे, ठीक है। ये मैंने प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे मैं सेटिंग कर दिया, यहाँ से सेंटर हो गया, रिसेट कर देंगे तो यहाँ से फिर से वही हो गया। अगर आप रियर चाहिए तो देखिए रियर में ज्यादा साउंड जाएगा, ड्राइवर साइड चाहिए तो ड्राइवर साइड में ज्यादा साउंड जाएगा, मीन्स आगे में आप लोग ज्यादा है पीछे नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं इसको रिसेट करके सेंटर में कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट का जो सेटिंग है देखिए इक्वलाइजर, ये हमेशा मैं देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज है, लेकिन ज्यादा जो बेस्ट जो बढ़िया आपको साउंड क्वालिटी आपको रॉक में ही मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको रॉक में ही सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आप फोन का अलग है, ठीक है, फोन रिंगटोन का अलग है और सिम्टम का, ये देखिए ये जो टक टक जो आवाज़ कर रही है, जो टच का जो रिस्पांस का उसका ये है, ठीक है, ये सारा हो गया। देखिए यहाँ पे एक फीचर्स बहुत अच्छा है, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। ये स्पीड इसको अगर ऑफ कर लेंगे या ऑन कर लेंगे, इसमें क्या है कि जैसे आपका गाड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो आपका ऑटो ऑडियो जो है अंदर में जितना म्यूजिक उसका वॉल्यूम जो है वो आपके जैसे सेट करेंगे उसके हिसाब से आपका कम या बेसी होते रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो ऑक्स का सिस्टम है, इस सिस्टम बीप जो बीप का नॉइज होता है उसको बंद करने का है। उसी तरह से ये ड्यूरिंग रिवर्स का ड्यूरिंग जो अटेंशन आपको देता है उसका ये साउंड है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक सिस्टम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपना दूसरा फोन इसमें कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मेरे यहाँ पे दूसरा फोन है, मैं इसका भी ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरा जो ब्लूटूथ डिवाइस का नाम है वो है मारुति सुजुकी, तो मैं इस पर चेक कर रहा हूँ, ये देखिए, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कनेक्टिंग हो रहा है, ये सेव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दोबारा से आपको इस पे जाना होगा पेयर डिवाइस पे, क्योंकि मैं दूसरा फोन कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोके X2 है, इस पे मैं प्रेस करूंगा, अब ये फाइनल कनेक्टिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे पोको एक्स टू हैज बीन कनेक्टेड फॉर फोन, ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया, अब ये हटा दिए यहाँ से। अब यहाँ पे दोबारा अगर कोई म्यूजिक प्ले करना है, सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे आप ये सारा रेडियो स्टेशन है, अगर आपको मीडिया प्ले करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपका जो फोन जब जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का सिंबल अभी नहीं आ रहा, इट मीन्स अभी फोन कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। मीडिया से कनेक्ट करें, यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, नहीं आता है नया फोन जब भी कनेक्ट करते हैं, तो घबराइए नहीं, ठीक है। आपको फोन कनेक्ट करने के लिए फिर से ये जो यहाँ पे टाइम का जो सिग्नल दिया, यहाँ पे देखिए दो अंडरलाइन होगा, ठीक है, इस पे हमेशा क्लिक करें, यहाँ पे पेयर डिवाइस आपका जो फोन था फोन एक्स टू, ये देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे ग्रीन जो है वो फोन का सिंबल पे, मीन्स इस पे कॉलिंग का फीचर्स अभी ऐड हुआ है, यहाँ म्यूजिक नहीं है, तो म्यूजिक में जैसे ही आप टच करेंगे, यहाँ देखिए फिर से कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग पोको एक्स टू, अभी देखिए कनेक्ट हो, अब देखिए यो म्यूजिक अब यहाँ पे दिखा रहा है एक्स टू, म्यूजिक कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन, जैसे आप मीडिया में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया म्यूजिक के लिए, अब इसको कनेक्ट कर दें, देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फोन कनेक्ट हो गया है, अब मैं इसको तीन स्टेप में टेस्ट करूंगा, सबसे पहले मैं लो वॉल्यूम में, फिर मीडियम में, फिर हाई में और फिर फुल में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लो में करता हूं, तो मैं प्ले कर लेता हूं सॉन्ग को यहां पे, और यहां से वॉल्यूम में 10 पे ले जाता हूं, ठीक है, लो पे। ओके अब मैं इसको वॉल्यूम को मीडियम करता हूं, आप लोग चेक कीजिए। इसको फुल करता हूं, ठीक है, पूरा फुल करके देखता हूं कि कैसा इसका रिस्पॉन्स है। हर तरह से चेक किया, मीडियम भी, लो भी और हाई भी। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप डिजायर VXI लेते हैं तो VXI में और ZXI में बस दो ट्विटर का फर्क है, बट एक्चुअल में अगर आप साउंड क्वालिटी में देखें,
मीडियम में या फिर लो में आपको पता नहीं चलेगा, लो में मीन्स, लेकिन अगर आप मीडियम या फिर उससे थोड़ा सा साउंड आप क्वालिटी अगर वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दो ट्विटर का जरूर पता होने वाला है, क्योंकि दो ट्विटर का काम तब आपको समझ में आएगा जब आप मीडियम से थोड़ा हाई का वॉल्यूम करेंगे, तब आपका दोनों ट्विटर आपको फ्रंट से आपको पता चलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ दो चीज ऐड हुआ, ठीक है। और रह गया बात चारों स्पीकर का जो डोर में प्लेस्ड है, तो ये नॉर्मल सा स्पीकर है, इसको मैं बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं बोल सकता हूँ, बहुत खराब भी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको फुल वॉल्यूम किया तो उतना ज्यादा मुझे नॉइस तो नहीं आया और आवाज फटने का भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। जो हिसाब से देता है पैकेज उसके हिसाब से मैं डिसेंट कहूंगा, मीडियम है, आप इसको मीडियम कह सकते हैं, बट हाँ जो प्राइस में ये गाड़ी आती है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउंड को थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहिए था, क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था, क्योंकि इसके सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं जैसे अल्ट्रोज वगैरह है या फिर हुंडई की गाड़ियां हैं, वो थोड़ा सा साउंड में काफी अच्छा वर्क कर रही है, साउंड क्वालिटी उसका ज्यादा बेहतर अभी अभी का डेट में दे रहा है, तो मारुति को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपने साउंड को लेकर के। हाँ, ये आवाज का क्लैरिटी मैं कहूंगा कि ठीक ही है, लगभग डिसेंट है, उस ना खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, बट हाँ ठीक है, ओके है। अगर आप साउंड के शौकीन है, ठीक है, तो आपको शायद ये निराश कर सकती है मीडियम वॉइस में। अगर आप मीडियम से थोड़ा सा हाई में जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत ठीक लगेगा, बट ज्यादा हाई में जाएंगे तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको झनझनाहट जरूर महसूस होगी, उतना ज्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा म्यूजिक। तो अभी के टाइम में अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो वैसा आपको लाउड म्यूजिक में आप खुद ही नहीं चलेंगे, तो ज्यादातर लोग मीडियम में ही सुनना पसंद करते हैं, मीडियम साउंड में। तो मीडियम में अगर आप गाना या कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको निराश नहीं होगी, आपको अच्छा ही लगेगा, बट इस प्राइस टैग में जो दूसरे कंपटीटर गाड़ियां हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर इससे साउंड क्वालिटी आपको ऑफर कर रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस गाड़ी का सबसे ज्यादा साउंड सिस्टम पसंद आया है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।